नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। लघु ज्योतिष के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेमिनी दृष्टियां, जिसमें चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां दृष्टि डालती हैं। तो जो हमने येलो से सर्कल किए हैं, एक यानी मेष और कर्क, तुला और ये मकर। याद रखना है राशियों की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेष लग्न या काल पुरुष की कुंडली ली है तो उसमें आपको लग सकता है कि भाई केंद्र में है तो। लेकिन 1, 4, 7, 10 ये राशियां चर राशियां मानी जाती हैं। क्लियर हो गया, मूवेबल साइन माना जाता है। और जो स्थिर राशियां हैं वो इसमें हम ये दो नंबर यानी वृषभ, सिंह और वृश्चिक, कुंभ, इनको फिक्स्ड साइन मानते हैं, यानी स्थिर राशियां माने जाती हैं। और जो ड्यूल माना जाता है, जिसमें द्विस्वभाव दोनों स्वभाव हैं, वो है मिथुन, कन्या, धनु और बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि। तो दृष्टियां कैसे ध्यान रखनी है जेमिनी की, याद रखना है जो चर राशियां हैं यानी 1, 4, 7, 10 चर राशियां सदैव स्थिर राशियों को देखती हैं। लेकिन जब हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो जो पहली चर राशियां सदैव स्थिर राशियों को देखती हैं, लेकिन जो पहली स्थिर राशि आ रही है उसको छोड़कर, यानी जैसे अगर बात करते हैं मेष किस राशि में दृष्टि डाल रही है, तो मेष राशि की दृष्टि रहेगी सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में। लेकिन मेष की जो दृष्टि है वो वृषभ स्थिर होने के बाद भी, क्योंकि जस्ट उससे नेक्स्ट पड़ रही है, उस पे वो दृष्टि नहीं डालेगी। इसी प्रकार से जो स्थिर राशियां हैं, ध्यान रखना है स्थिर राशियां सदैव चर राशियों पर दृष्टि डालती है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट माने दोनों साइड पर भी उसको छोड़कर, जैसे अब ये दो नंबर है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि कर्क राशि पर दृष्टि डाल रही है, तुला राशि पर दृष्टि डाल रही है और ये मकर पर भी दृष्टि डाल रही है। वैसे तो मेष राशि भी एक चर राशि है, लेकिन वो उसके एडजेसेंट साइड यानी इसको मिल रहे हैं दोनों, इस कारण से वृषभ की दृष्टि मेष पर नहीं मानी जाएगी। बात करें अगर हम ड्यूल साइन की या द्विस्वभाव राशियों की, तो ये सदैव अपनी दृष्टियां अपने पर ही रखती, माने द्विस्वभाव राशियां सिर्फ द्विस्वभाव को ही देखती हैं अकॉर्डिंग टू जेमिनी पद्धति। जेमिनी ऋषि जो पराशर ऋषि के ही शिष्य माने जाते हैं, लेकिन इनका कई ऐसे सूत्र हैं जो पराशरी पद्धति में हम अध्ययन उनका नहीं करते हैं। जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि कन्या राशि को देखती है, धनु राशि को देखती है और मीन राशि को देखती है। और यहां पर किसी को इस प्रकार से त्यागने का विधान नहीं है, क्योंकि कोई एडजेसेंट साइड में देखने वाली राशि पड़ती ही नहीं है, यानी 3, 6, 9, 12 आपस में एक दूसरे को देखते हैं, 1, 4, 7, 10 2, 5, 8, 11 को देखते हैं, लेकिन किसको अवॉइड करना है, किसको छोड़ना है, किसको त्यागना है, उसके जस्ट नेबर अगर पड़ता है चर या स्थिर में तो उसको त्याग देना है। तो लघु ज्योतिष कोर्स में हमने इसको एक बहुत ही सरल ढंग से
बहुत ही बेसिक ढंग से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा पूरी उम्मीद है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगवत पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।